बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपके बुक के चैप्टर नंबर 4 यूजेस ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक के चैप्टर नंबर 5 का, विच इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ एक बुक को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम ICS पार्ट 1 की बुक्स को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि टॉपिक्स में कुछ डिफरेंसेस हो सकता है कि कोई टॉपिक आपकी बुक में मौजूद हो और सिंटेक्स बुक के अंदर मौजूद ना हो, पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हो और सरत टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद ना हो। तो दोस्तों, इन तमाम डिफरेंसेस की वजह से हम सबसे पहले किसी भी चैप्टर का आगाज करने से पहले आपको ये बताते हैं कि हम इन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ के साथ आपकी बुक में और दूसरी बुक्स के अंदर जो भी डिफरेंसेस होंगे उनकी डिटेल्स भी देखेंगे। तो आइए फिर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, चैप्टर 5 में जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा What is von Neumann architecture components? दोस्तों, याद रखिए, von Neumann architecture इस तरह का आर्किटेक्चर था जो कि सबसे पहला आर्किटेक्चर था जिसने मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया। तो हम इस आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स की डिटेल देखेंगे, इसके बाद सीपीयू और उसके कंपोनेंट्स की डिटेल देखेंगे, जैसे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और इसके बाद मेमोरी को डिस्कस करेंगे, यानी आपकी मेन मेमोरी और उसकी टाइप्स रोम और रैम की डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद हम कंप्यूटर के अंदर मेमोरी एड्रेसिंग को देखेंगे, यानी जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन डालते हैं, कोई डेटा डालते हैं, तो वो किस तरीके से मेमोरी के अंदर सेव होता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स उसको लेने होते हैं, मेमोरी किस तरीके से उसको सेव करती है, मेमोरी एड्रेसिंग क्या होती है, इन तमाम की डिटेल्स देखेंगे। यहाँ तक हमारा सीपीयू और मेन मेमोरी का टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रजिस्टर्स इन कंप्यूटर्स। दोस्तों, याद रखिए, आप जानते हैं कि हमारा सीपीयू तमाम कंप्यूटर के अंदर मौजूद कैलकुलेशंस को, इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाता है, तो उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जो उसकी हेल्प कर सकें ये तमाम काम करने में। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज है वो है रजिस्टर्स। तो हम तमाम रजिस्टर्स को देखेंगे जो कि सीपीयू यूज करता है। इसके बाद हम बसेस इन कंप्यूटर देखेंगे। दोस्तों, बसेस मीन्स होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेजते हैं तो वो जाता है बसेस के थ्रू। तो हम तमाम बसेस की डिटेल्स देखेंगे, बस की टाइप्स देखेंगे, डेटा बस देखेंगे, एड्रेस बस की डिटेल्स देखेंगे और कंट्रोल बस की डिटेल्स भी देखेंगे। और इसके बाद हम इनपुट आउटपुट यूनिट देखेंगे, यानी इनपुट आउटपुट यूनिट के टॉपिक को कवर करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम इंस्ट्रक्शन का वर्ड बहुत ज्यादा जगह यूज करेंगे, तो हम देखेंगे कि आप कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा दे रहे होते हैं वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शन के अंदर तब्दील होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इसकी डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक हम देखेंगे वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि आप ये समझिए कि इस पूरे चैप्टर का निचोड़ ये टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो एक इंस्ट्रक्शन, एक कमांड आप कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर ये तमाम चीजों को यूज करते हुए, यानी बसेस, इनपुट आउटपुट यूनिट, रजिस्टर्स, मेमोरी और सीपीयू का यूज करते हुए कैसे उस एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाता है। तो दोस्तों, ये आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर को समझने के लिए आपको ये तमाम लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद है स्टैक टाइप्स एंड ऑपरेशंस, यानी कंप्यूटर में स्टैक क्या होता है, उसकी टाइप्स देखेंगे और पुश एंड पॉप के ऑपरेशंस देखेंगे। उसके बाद इनफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशंस देखेंगे। दोस्तों, ये वाला टॉपिक और इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, इसमें हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक होगा। और एक और अहम बात कि 5.1 से लेकर 5.9 तक के जो टॉपिक्स हैं ये तमाम बुक्स के अंदर मौजूद हैं, सिंटैक्स बुक के अंदर मौजूद भी हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद भी हैं, लेकिन ये जो स्टैक का टॉपिक है, इनफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन का टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स बुक के अंदर मौजूद है। और इन सब के अलावा एक और मेन डिफरेंस ये है कि आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे के कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर वगैरह की डिटेल्स चैप्टर नंबर 5 के एंड में मौजूद है, जबकि मैं इन तमाम टॉपिक्स को आपकी बुक के इन तमाम टॉपिक्स को मकतब की साइट के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर कवर करवा चुकी हूँ, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिंटैक्स टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद था, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में कवर करवा चुकी हूँ, जो कि आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 24 पर। आप मकतब की साइट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर जब आप देखेंगे तो जो भी लेक्चर नंबर 22 और 24 होगा वो इन्हीं तमाम टॉपिक से रिलेटेड होगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और लेक्चर नंबर 24 होगा
टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स से रिलेटेड। तो डियर फ्रेंड्स, आप इन तमाम टॉपिक्स को वहां जाकर देख सकते हैं, वहां मैंने इनको बहुत डिटेल में कवर किया है। और बाकी ये जो जितने टॉपिक्स हैं, ये मैंने चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही कवर करवाए हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ, आपको ओवरव्यू मैंने दिया है कि किस तरीके से हम कौन कौन से टॉपिक्स को इन चैप्टर्स के अंदर कवर करेंगे और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पहले कवर कर चुके हैं, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 में मौजूद हैं, और बाकी तमाम पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली इंटर कंप्यूटर साइंस की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर मौजूद है या दूसरे चैप्टर के अंदर मौजूद है। दरअसल इस ओवरव्यू को बताने का मकसद यही होता है, क्योंकि हम सिर्फ एक बुक को फॉलो नहीं कर रहे बल्कि तमाम बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। तो टॉपिक्स के अंदर डिफरेंस आ सकता है, तब्दीली आ सकती है, तो उन तमाम तब्दीलियों को बताने के लिए ये हम एक छोटा सा लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, ताकि आपकी हेल्प हो जाए कि हम इस चैप्टर के अंदर किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं, ताकि आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो दोस्तों, ये था ओवरव्यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बकायदा इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और उस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, उसकी डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।